और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का पंचकुला से, जहां मानेसर लैंड स्कैम मामले में आज कार्रवाई पूरी, मानेसर लैंड मामले में कार्रवाई पूरी हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में आज पेश हुए। मानेसर लैंड स्कैम का यह पूरा मामला है, अन्य आरोपी भी आज कोर्ट में पेश हुए हैं। आरोपियों पर लगे चार्ज पर आज बहस होनी थी और कोर्ट में पेश हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बचाव पक्ष के वकील के मौजूद ना होने से आज बहस नहीं हुई है। 16 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई, तो आज ये सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। 16 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी, मानेसर लैंड स्कैम मामला, जिसमें आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में पेश हुए, लेकिन अन्य आरोपी भी कोर्ट में आज पेश हुए हैं। और संवाददाता उमंग शोरांग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। उमंग, आज क्या हुआ इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर जो सुनवाई आज पंचकुला कोर्ट में होनी थी, वो किसी कारण उस मामले में आज सुनवाई आगे नहीं बढ़ी। इसका कारण ये है कि बचाव पक्ष के वकील जो है वो कोर्ट नहीं पहुंचे थे। हालांकि इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य 33 आरोपी पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ी, इसको लेकर कोर्ट ने 16 जनवरी की तारीख जो है वो मुकर्रर की है। 16 तारीख को अब इस मामले में आरोपों को लेकर बहस की जाएगी। बहुत शुक्रिया उमंग आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली सुनवाई जो होगी वो 16 जनवरी को होगी। इस पूरे मामले में 16 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी। आज मानेसर लैंड स्कैम मामले में कार्रवाई पूरी हुई है। आपको बता दें इस पूरे मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कोर्ट में पेश हुए, साथ ही अन्य आरोपी भी आज कोर्ट में पेश हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कोर्ट में पेश हुए।